हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालिनी। स्वागत करती हूं आपके अपने इस शो में। आज हम बात करेंगे सर दर्द की। सर दर्द आज एक आम प्रॉब्लम है जो बूढ़े, बच्चे, जवान किसी को भी हो सकता है। लेकिन ये दर्द होता क्यों है? एक मिनट, सर दर्द के बारे में बात करने से पहले ज़रा सर के बारे में बात कर लें। हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल इसी सर के भीतर होता है। बॉडी के हर पार्ट को यहीं से डायरेक्शन मिलता है। यही तो रीज़न है कि सर को सबसे उत्तम अंग यानी बेस्ट पार्ट कहा गया है। बस यूँ समझिए कि अगर आप कंप्यूटर हैं तो सर के भीतर बैठा ब्रेन आपका CPU। खैर, वापस आते हैं उसी सवाल पर, ये सर दर्द होता क्यों है? अब अगर साइंटिफिक रीज़न गिनाने बैठूँ तो हो सकता है आपको यहीं सर दर्द हो जाए, इसलिए मैं आपको आम भाषा में समझाती हूँ। असल में तो सर बड़ा सेंसिटिव होता है। आप इसके साथ ज़रा भी बुरी तरह पेश आए, हो गया दुखी। सर दर्द के मुख्य कारण हैं स्मोकिंग, शराब पीना, नींद पूरी ना होना, ज़्यादा देर भूखे रहना, ज़्यादा देर गलत मुद्रा में बैठना, धूप में ज़्यादा देर रहना, आँखों पर ज़्यादा जोर डालना, वगैरह वगैरह। कभी कभी स्ट्रेस या फिर साइनसाइटिस जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसका रीज़न बन सकती हैं। रीज़न जो भी हो, मैं आपको साथ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊँगी जिन्हें अपना कर आप सर दर्द से चुटकी बजाते ही राहत पा सकते हैं। तो बजाएँ चुटकी। आपके किचन में इलायची तो होगी ही ना, और जायफल भी होगा। बस इन दोनों को पानी के साथ पेस्ट बना लें और लगा लें माथे पर, सरदर्द गायब। क्या सरदर्द नहीं गया? ओ, तो इसका मतलब आपकी समस्या पुरानी हो चुकी है। कोई बात नहीं, आप सुबह शाम एक एक चम्मच शहद गुनगुने पानी के साथ लीजिए। 2 दिन में सरदर्द लापता हो जाएगा। वैसे सरदर्द में तुलसी की पत्तियां भी बड़े काम की चीज़ होती हैं। सरदर्द ही क्यों, तुलसी तो अपने भीतर जाने कितने गुण छुपाए होती है। आप तुलसी की चाय पीना शुरू कर दें, आपको दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, सरदर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब चौथा नुस्खा सुनिए। किशमिश जानते हैं? अरे वही रीजन्स। आप सुबह शाम किशमिश खाना शुरू कर दें, सरदर्द आपके पास फटकेगा भी नहीं। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि कहाँ चुटकी बजाते ही सरदर्द दूर करने वाले नुस्खे बताने वाली थी और कहाँ सुबह शाम की बात शुरू कर दी। तो लीजिए अगला नुस्खा। जब भी आपको सरदर्द हो, 2 लौंग मुंह में रखिए और चबा डालिए, तुरंत आराम मिलेगा। दर्द ज़्यादा तेज़ हो तो लौंग के तेल में नमक मिलाकर माथे पर लगाएँ और फ़र्क देखें। वैसे सरदर्द का एक बहुत पुराना घरेलू इलाज भी है, याद दिलाऊं? यूकलिप्टस ऑयल होता है ना? जी हाँ, नीलगिरी का तेल। एक प्याले गर्म पानी में इसकी एक बूंद डाल दें और चेहरा प्याले के ऊपर लाकर उसके ऊपर टॉवल ढक लें। अब गहरी सांस लें और प्याले से निकलती भाप को इनहेल करें। बिलीव मी, ये नुस्खा पुराना ज़रूर है लेकिन आज भी काम करता है। अब 7वां और आखिरी नुस्खा। इसमें ना तो कुछ खाना है ना लेप लगाना है। थोड़ी सी काली मिर्च पीसें और उसे नाक के पास लाकर सूंघें, सारा कफ बाहर और कफ के साथ सरदर्द भी। तो ये थे सरदर्द से राहत पाने के 7 नुस्खे। लेकिन आपको इन नुस्खों की ज़रूरत पड़े ही क्यों? अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, पूरी नींद लें, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहें, स्पाइसी और ऑयली फूड कम खाएं, फिर देखें भूल जाएंगे सरदर्द क्या होता है। चलिए, आज के लिए काफ़ी बातें हो गई। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वेलनेस चैनल। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। गुड बाय।